हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। नेट स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। 11 और 12 के एनसीईआरटी में अलग अलग चैप्टर में ये टर्म दिए गए हैं। तो जैसे हम बात करेंगे आज सरफेस एरिया, मीन्स ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर है माइक्रोविलाई, जो कि इपिथेलियल टिश्यू के सरफेस पे पाया जाता है। तो इपिथेलियल टिश्यू के सरफेस पर एक फिंगर जैसा प्रोजेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोविलाई। ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ये सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ाता है। तो इस तरह से अगर हम किडनी के अंदर पाए जाने वाले नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल्स की बात करें, पीसीटी, तो पीसीटी में छोटे छोटे है ना सेल्स, इपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं जो क्यूब शेप के होते हैं और उसमें पाया जाता है माइक्रोविलाई, और जिसको हम कहते हैं ब्रस बॉर्डर। तो इस तरह से आप कह सकते हैं इपिथेलियल पीसीटी में सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम विद माइक्रोविलाई या ब्रस बॉर्डर पाया जाता है। उसी तरह से अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में विलाई पाया जाता है और विलाई भी इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। दूसरे स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे मीजोसोम है, तो मीजोसोम्स बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो मीजोसोम मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होता है, यह सेल मेम्ब्रेन के इनवेजिनेट होने से बनता है, मींस सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ इनफोल्ड होने से मीजोसोम्स बनता है और ये सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो मीजोसोम है ना का मेन फंक्शन होता है बैक्टीरिया में रिस्पायरेशन या ऑक्सीडेशन में भाग लेता है, जिस तरह से यूकैरियोटिक सेल में माइटोकांड्रिया ऑक्सीडेशन या रिस्पायरेशन में भाग लेता है, उसी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम्स भी ऑक्सीडेशन या रिस्पायरेशन में भाग लेता है। इसके अलावा मीजोसोम्स का फंक्शन है ना जेनेटिक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन करना या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा दूसरा फंक्शन इसका सेल वॉल फॉर्मेशन में होता है या सेल डिवीजन में भी इसका जो रोल होता है। तो तरह तरह के रोल है मीजोसोम्स के। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लोमासोम। लोमासोम भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ये भी मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होता है और ये पाया जाता है फंजाई में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टी, तो यह क्रिस्टी माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। तो माइटोकांड्रिया में दो मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनवेजिनेट करके इनफोल्ड करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी। तो क्रिस्टी क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीजन पार्टिकल पाए जाते हैं, जितना ज्यादा क्रिस्टी क्रिस्टी होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन पार्टिकल होगा और जितना ज्यादा ऑक्सीजन पार्टिकल होगा उतना ही ज्यादा एटीपी का सिंथेसिस होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट हेयर, तो रूट हेयर प्लांट्स में पाए जाते हैं, स्पेशली रूट हेयर प्लांट्स के रूट के मैच्योरेशन जोन में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा रूट हेयर मैच्योरेशन जोन में पाया जाता है और ये वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ज्यादा रूट हेयर होगा तो ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टिप्लोसोल, ये अर्थवर्म में पाया जाता है। तो अर्थवर्म के इंटेस्टाइन को हम टिप्लोसोल कहते हैं और ये भी सरफेस एरिया को बढ़ाता है डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है कोरियोनिक विलाई, ये एम्ब्रियो में पाया जाता है। हमने पढ़ा होगा कि एम्ब्रियो में तीन एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनते हैं, चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनते हैं। पहला होता है एम्नियन ना, दूसरा कोरियन, तीसरा एलेंटोइन, चौथा सेल। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको कोरियन कहते हैं और जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसको एम्नियन कहते हैं। अगर हम कोरियन की बात करें कोरियन पर फिंगर जैसे प्रोजेक्शन लगे होते हैं जिसको हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं और ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है। बाद में इसी कोरियोनिक विलाई से प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है तीसरे से चौथे महीने में,
ना इसी कोरियोनिक विदाई से प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो में। आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।